हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया, विराजमान हो जाइए। अर्चना जी बड़ी प्यारी लग रही है, मल्टी कलर हम दोनों ही। तू मल्टी कलर गिरगिट लग रहा है बिल्कुल आज। इज इट अ कॉम्प्लीमेंट? जैसे तू मुझे कॉम्प्लीमेंट देता ना, वैसे आज मैं तुझे दे रही हूं। धन्यवाद। अर्चना जी आप देखो, बच्चों को एक्शन हीरो बड़े पसंद आते हैं। तभी आप देखो, दारा सिंह साहब से लेके धर्म पाजी तक, बच्चन साहब से लेके टाइगर श्रॉफ, बच्चे बड़े फैन हैं इनके। उनसे आप चाइना के रोमांटिक हीरो के बारे में पूछ लो, उनको नहीं पता होगा। लेकिन एक्शन हीरो पूछो, जट से बता देंगे, जैकी चैन, ब्रूस ली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को ही एक्शन हीरो पसंद आते हैं। मैंने उस दिन आपके हस्बैंड परमीत साहब से पूछा, मैंने कहा आपका फेवरेट कौन है? कहते वो दारा सिंह के बाद जो है अर्चना पुरी सिंह। कहने का मतलब है एक्शन सबको पसंद आता है, और आज यहाँ भी एक एक्शन हीरो आ रहे हैं, तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड आयुष्मान खुराना। आयुष्मान भाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाजी, थैंक यू सो मच। एंड एक्शन हीरो के लिए बहुत बहुत बधाई है भाजी। ट्रेलर बड़ा कमाल का मैंने देखा, क्या कमाल की बॉडी वॉडी बनाई है आपने, मस्त है, मजा आ रहा है। और देखो आप आयुष्मान भाई की ज्यादातर फिल्मों में ना कोई मुद्दा होता है, इस बार मुद्दे से सीधा मुक्के पे आ गए आप। जिंदगी में ये अद्भुत परिवर्तन कैसे? भाजी इसमें मुक्का ही मुद्दा है। अच्छा हाँ, मुद्दे के बिना क्या करूंगा मैं, सारे मुद्दे तो खत्म कर दिए देश के मैंने। हाँ लेकिन अब मुक्का ही बचा था। वो भी तो मार दिया स्क्रीन पे, वो मार दिया स्क्रीन पे। अच्छा एक्शन आजकल देखो कितना रियलिस्टिक हो गया अर्चना जी। पहले की फिल्मों में आपने देखा होगा हीरो विलन को मुक्का मार रहा, खुद ही मुंह से आवाज निकालनी पड़ती थी। इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी ना कि मैंने कसम खाई थी कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन तुझ जैसे दरिंदे ने आज मुझे मजबूर कर दिया, अब भीषम। तो मेरे को ऐसा लगता हो भाई, आपने भी कितनी फिल्में देखी होंगी बचपन में, होता था ऐसा ही होता था भाजी? ऐसे ही होता था बचपन में, तो यही देखा है, गुंडा आता था पहले एक लंबा चौड़ा। हाँ। कुछ नहीं कुछ करता था, सात लोग बोलता था वो उससे भी ज्यादा लंबा चौड़ा। हाँ। सरिया उठाता था मोड़ देता था। हाँ। फिर हीरो आता था सरिया वापस कर देता था। हाँ। अब सरिया बोल रहा है कि आपस की लड़ाई मेरी क्या गलती है भाजी। अब ऐसा होता था, एक सीन मुझे याद है बचपन में, विलन आता था कहता विजय, सामने माँ आ जाती थी ठा गोली, महा एंड में मर जाती थी और विलेन गोली छोड़ के भाग जाता था। सोचो अच्छा, हीरो को विलेन नहीं दिखता था, माँ को गोली भी दिख गई। देखो कैसा एक्शन होता था। एक फिल्म मैंने देखी, विलेन गोली मारता हीरो उछल के वाह पीछे, विलेन ने वहां मारी हीरो फिर इधर मारी फिर इधर, उसके बाद छह की छह जब खत्म होगी ना तो विलेन ने पिस्तौल फेंका, मैं नहीं खेलता जा। पर मजा आता था देख के। आप देखो एक पिक्चर देखी मैंने, जो हीरो है ना। हाँ। गोली हाथ से पकड़ रहा है, गोली ठा यहाँ से इधर से सारी पकड़ के ऐसे करके बम फट जाता था, सब मर जाते थे। रस्सी वाला सीन तो आपने बड़ी फिल्मों में देखा होगा, हीरो का दोस्त बंधा हुआ है। हाँ। और हीरो आता रस्सी पे गोली उड़े, फिर रस्सियां कब से खुलने लग गई गोली से, तो इतना ही अच्छा निशाने बाहर, तो कुल्ली को बना हुआ जाके ओलंपिक में खेल। अच्छा एक्शन हीरो की एंट्री आप देखना बड़ी कमाल की होती थी। विलन कहीं जुल्म कर रहा है, किसी औरत का बच्चा छीन के ऐसे हवा में फेंकता था, तभी दो हाथ आते थे कैमरा में, जाको रखे साया मार सके ना, फिर हीरो की एंट्री होती थी। भाई त्रिदेव में तो बकायदा पूरा डायलॉग था, पाप से धरती फटी फटी फटी, अधर्म से आसमान आसमान, अत्याचार से कांपी इंसानियत, राज कर रहे वो हैवान, जिनकी होगी ताक पूर्व, जिनका निशाना अभेद, जो करेंगे इनका सर्वनाश वो कहलाएंगे त्रिदेव त्रिदेव त्रिदेव। अच्छा ये तो तीन थे तो त्रिदेव त्रिदेव हो गया, अगर दो होते थे तो नाम ऐसे रखते वो कहलाएंगे शंकर शंभु शंकर शंभु, और अगर कोई सिंगल आ गया शिवा 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 शिवा। कॉमेडियन से भी कभी कभी एक्शन करा लेते थे। हाँ। जगदीप साहब था खिड़की खोल के अरे शिव। अर्चना जी पूछ रही थी कि हमने सुना है
कि इस फिल्म के लिए आपने मिक्स्ड मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है, तो ये पूछ रही थी कि मार्शल आर्ट किसके साथ मिक्स किया, सोडे के साथ या पानी के साथ? किस परी, जैसे शॉट से पहले आप स्क्रिप्ट देखते हो कि मेरा डायलॉग क्या है, मैंने ये डायलॉग बोलना है, जब एक्शन करते हो उसमें डायलॉग तो है नहीं, उछलना कूदना, फिर उसे आप कपड़े चेक करते हो पैंट को कि ये फट ना जाए, स्प्लिट कर रहा हूँ या ऐसा करते हो आप इतना डिटेलिंग में? वैसे बाजी आपको पता है जब भी एक्शन होता है तो हम थोड़े लूज पैंट्स पहनते हैं, उसके अंदर पैडिंग होती है थोड़ी सी ताकि गिर जाओ तो चोट ना लगे। अच्छा, तो वो हमेशा एक्शन करते हुए लूज कपड़े पहने जाते हैं। धन्यवाद। तू भी कर कभी फिल्म में, किसी फिल्म में एक्शन कर। मेरा घर में बड़ा हो जाता है। उनकी लाइफ में वैसे ही बड़ा एक्शन है, तो मतलब रोमांच, बहुत रोमांच है हमारी फिल्म में। अब उन्हें बुलाते हैं जिनके साथ भाई साहब का एक्शन चल रहा है। ओहो, प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड एक्टर मिस्टर जयदीप अहलावत। जयदीप भाई, आज आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, लेकिन हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू पाजी, आपकी सारी फिल्में हमने देखी हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर मैंने पहली बार आपको देखा था, उससे पहले भी आपने कोई और फिल्म की थी? वो पहली फिल्म नहीं, खट्टा मीठा पहली। अच्छा जी, पर मैंने देखा है इन्होंने इतने सारे क्रिमिनल्स के रोल किए ना कि इनको खुद ही अपने आप पे डाउट हो जाता है। तो पुलिस की गाड़ी निकलती तो खुद ही छुप जाते हैं, फिर इनको याद आता है कि मैं तो एक्टर हूँ। भाई कभी ऐसा हुआ? कभी ऐसा नहीं, पता लोगों को खुद पुलिस वाले थे। पता लोगों को पुलिस वाले थे यार, हाथीराम, हू कैन फॉरगेट, क्या नाम, गब्बर इज बैक में सीबीआई था। चलो ऐसे तो आपने भी एक आदमी हीरोइन का रोल किया, बाकी में भी। बाकी में तो आप हीरो ही थी। अरे वो फाइट सीन आपका और दारा जी का जिसमें दारा जी हार जाते हैं। चुप कर। यदि भाई कभी ऐसा हुआ आपको संदिग्ध समझ के किसी ने एयरपोर्ट पे रोक लिया हो? कभी होता ना कि हमने इस आदमी को देखा है, देखा बड़ा देखा है और बुरे काम करते हुए देखा है, कभी किसी ने रोका है, एक्स्ट्रा पूछताछ की हो आपसे? नहीं, लोग टीवी पे फिल्में देख के गालियां देते हैं, वो अलग बात है कि कितना कमीना आदमी है वो, यार हरियाणा में स्पेशली आए कितना कमीना आदमी है। पर ये तो कॉम्प्लीमेंट हुआ ना कि आपने अपने किरदार को ऐसे निभाया। नहीं, नॉर्मल लाइफ में ऐसा किसी ने अब तक थैंकफुली नहीं किया। भाई आप इतने कंफर्टेबल होते हो जब गुंडे वाले रोल करते हो, एक्टर बनने से पहले क्या करते थे आप? शुरू से एक्टर है यार। कॉलेज से निकलने के बाद और एक्टर बनने से बीच का जो टाइम बताता हूँ मैं, आप कह रहे थे ना आप काम के फैन हो, हम सब कपिल भाजी के फैन हैं। शुक्रिया भाई। मैं आपको 2004 से झांसी में, एक्चुअली वहाँ एक यूथ फेस्टिवल हुआ था बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, वहाँ आप सब, चंदन भाई, आप जी, ठाकुर, सुगंधा मिश्रा जी, तो लेजेंड्स होते थे आप लोग यूथ फेस्टिवल्स के। हम सब यूथ फेस्टिवल्स की देन है। मुझे तो इतने किस्से याद है भाई, आपको पता है हमारा ना जब झांसी फेस्टिवल वाइंड अप हो गया ना तो वापस सेट चढ़ाना होता ट्रेन में, तो ट्रेन रुकती थी 5 मिनट, तो सेट चढ़ाने में 10-15 मिनट, तो वहाँ पे हमारे कुछ दोस्त बन गए झांसी के, वो आए हमें छोड़ने, तो दो बंदे बंदूक लेके ड्राइवर के पास, सामान चढ़ रहा है अभी। देखो हॉस्पिटैलिटी है उनकी। पर वाह, आज मजेदार बातें करेंगे, यूथ फेस्टिवल की भी, पुरानी बातें भी, और एक्शन हीरो के लिए बहुत बहुत बधाइयां, बड़ा कमाल का ट्रेलर। आइए, थैंक यू। यदि भाई जैसे आप ना पीछे बड़ा पड़ते हैं फिल्मों में, मैंने देखा पताल लोक में आप जैसे क्रिमिनल के पीछे पड़ रहे थे, गब्बर इस बैग में ये गब्बर के पीछे पड़े हुए, इस फिल्म में आयुष्मान भाई के पीछे पड़े हुए आप, तो स्कूल कॉलेज में आप आगे भी कभी बैठे हैं बेंच में के पीछे बैठते थे? स्कूल में आगे बैठता था क्योंकि माँ बाप टीचर रहे हैं। अच्छा, तो पीछे पढ़ने पे इस बात पे पिटाई हो जाती थी। अच्छा, लेकिन कॉलेज में एंट्री करते ही सबसे पीछे। अच्छा, लास्ट बैच, जहाँ तक किसी की आवाज रहो। आयुष्मान भाई आप कैसे थे पढ़ाई में, कितने परसेंट तक ले आते थे? मैं पढ़ाई में अच्छा था एक्चुअली, आई एम श्योर। कॉलेज में मैंने 3 साल टॉप किया है, ऑलमोस्ट मैं तो टॉपर्स था मैं। हमारे तो कॉलेज का भाई बजट भी बड़ा कम होता था, हमें तो बोलते थे कि प्ले में जो कुर्ता पजामा पहनना वो भी अपने डैडी का लेके आओ। हमारा तो बजट नहीं होता था। एक दो अमीर कॉलेज आते थे हमारी यूनिवर्सिटी में, उनकी बसें भी बड़ी साफ होती थी, और उस तरफ हमारे बीबी के डीएवी कॉलेज आता था अमृतसर में, उनकी लड़कियां फेस्टिवल में पैटीज खा रही हैं और हम लोग भड़ते के साथ परांठे लेके आए घर से। तो मैंने कहा यार, उनकी टीचर्स भी परफ्यूम लगा के आई, हमारे पसीने से भरी शर्टें, तो यहीं पे पता चल जाता था ट्रॉफी लेके कौन जाएगा, होता ना कि। तो पर हाँ, मेरे को आपने याद दिलाई झांसी की, तो मैं उस जोन में चला गया। बनारस भी अटेंड किया आपने? नहीं, बनारस में हम, बनारस 2 साल पहले हुआ था। तो हाँ, जोनल में आ गए थे, मतलब इंटर जोनल में आ गए थे। और उस समय पाजी जो चीफ गेस्ट थे ना वो थे आशुतोष राणा साहब। अच्छा। और हमें ये था कि हम नजदीक से किसी तरीके देख लें उनको। अरे वाह, मतलब पर क्या बात है, जो आप चाहते हो वो चीजें कहीं ना कहीं। चलो हम आज टीवी में काम कर रहे हैं, आप फिल्मों में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बचपन से ही आपके दिमाग में होती है, जब आप शिद्दत से चाहते हो तो भगवान दे भी देता है। ये हमारे सामने है एग्जाम्पल।
पर ये बचपन में आपने फिर एक्शन फिल्में भी देखी होंगी, किसके फैन थे आप एक्शन में? सर मैं जैकी चैन का फैन था। अच्छा, क्योंकि कॉमेडी भी होती थी उनके पास। हाँ हाँ, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन था वहाँ पे। ऑफ कोर्स अक्षय पाजी का फैन रहा हूँ बचपन से, इज वाज इंडियाज फर्स्ट एक्शन हीरो अकॉर्डिंग टू मी। आजकल टाइगर श्रॉफ से अच्छा एक्शन आई थिंक इंडिया में किसी ने नहीं किया। एब्सोल्युटली। और जयदीप पाजी आप किनको पसंद करते थे एक्शन फिल्मों में? नहीं, हमारा तो जैकी चैन से कोई लेना देना था ना। गांव के जो अपने VHS आते थे, किसी के लड़का हो गया उसकी शादी में तो, या किसी की शादी है तो वो गली में चला देते थे। हाँ। तो बैठे ही रहते थे। तो मेरा जो पहला एक्शन को लेकर था वो अक्षय पाजी को लेकर था, और बड़ा भूत सवार होता था हमारे ऊपर फिर, कि उनकी फिल्म देख के बाहर निकले हैं खिलाड़ियों और खिलाड़ी सबसे बड़ा खिलाड़ी टाइप, और फिर बस भाग के पकड़ते थे। तो शर्त लगती थी कि कौन बस को भाग के पकड़ेगा और जो सबसे लेट पकड़ेगा, मतलब तो सबसे लेट भागा यहाँ से और उसने पकड़ ली तो ही विल बी द विनर, वो सबसे बड़ा खिलाड़ी। हाँ। तो दो दो समोसे मिलते थे। वाह। तो पैसे शेयर करके VCR भी लगवाया होगा आपने फिर तो? बहुत बहुत। हर भर। अच्छा, सब 90s, 80s, 90s वाले बच्चों की सबकी कहानियां सेम है। 83 में नया नया टीवी आया, 2-3 साल बाद शायद कलर टीवी आ गया होगा, और फिर VCR तो मतलब लग्जरी होती थी। वो तो बहुत बड़ी, जो रिश्तेदारों के घर में VCR होता था वो तो हमें मुंह नहीं लगाते थे, भगवान दिखते। घर में VCR और, हाँ। और और फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक। हाँ। अगर किसी की रखी है तो मतलब वो अलग लेवल है। हाँ, हाँ। You're right, you're right. अच्छा, मैं आप दोनों से एक बात पूछना चाहता हूँ। आप इतने कमाल के एक्टर हैं, जिंदगी में इंसान के पास अगर सामने एक दाल रोटी रखी हो, ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि वो बड़ी क्रेविंग है, दाल रोटी है और एक तरफ गर्म जलेबी है, तो किसको प्रेफर करोगे आप? पहले दाल रोटी, बाद में गर्म जलेबी। हाँ, दोनों खाएंगे यार। ये पाजी ने वैसे वाली बात कर दी, खाना खाने कोई मेहमान आए हुए थे तो किसी ने, वो आया बंदा जिसने जो होस्ट कर रहा था, ले सर आप खीर खाओगे कि चमचम खाओगे? तो सामने वाला बंदा, क्यों, घर में एक ही कटोरी है क्या? दोनों ला यार। दोनों ले क्या? मेरे को एक और बात याद आ गई, एक आदमी किसी के घर में गया। हाँ। उसने देख लिया कि उस तरफ खीर बन रही है तो पतीले में, तो उसने पूड़ियां दो और खानी थी, उसने दो कम खाई, कि था कि खीर भी खानी, जगह होनी चाहिए पेट में। अब जिसने बुलाया था वो खीर ऑफर करनी भूल गया। अब इसको लगे साला पूरियां भी दो कम कर दी मैंने, खीर भी नहीं आ रही। तो वो जिनके घर में गया था वो कहती, और भैया और सुनाओ कैसे हो? कहता, बस क्या बताएं, आज बड़ी मुश्किल से बचे जब आपके घर आ रहे थे। कहती, कैसे? कहता, बस हम रोड पे जा रहे थे और इतनी दूर ट्रक जितना ये आपका खीर वाला पतीला पड़ा ना। फिर उसको याद आया, अच्छा खीर खिलानी है। और मैंने ये बात इसलिए पूछी कि कब से हम दाल रोटी पे टिके हुए हैं, पीछे जलेबी वेट कर रही है। तो गाइस, प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल नोरा फतेही। जोरदार तालियां नोरा के लिए। हाय नोरा, वेलकम वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम वेलकम, कैसे हो? नोरा, ये क्या हो रहा? नोरा, आप हमेशा इतनी प्यारी लगती हैं, आज तो आप गुलाबी भी लग रही हैं। अच्छा? आपने चश्मा गुलाबी पहना हुआ है। चश्मा निकालो। अभी भी मेरे को गुलाबी लग रही है। क्या बात है? नोरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। जयदीप भाई आप भी बैठ सकते, तीन लोग बैठ सकते सोफा पे, जहाँ मन है वहीं बैठना चाहिए। नोरा, आप देख रही हैं ऑडियंस में आपका क्रेज, आपकी फैन फॉलोइंग, हमारे जो फोटोग्राफर है ना दास दादा को पता चला 2 घंटे पहले कि आप आ रही हैं। अच्छा। तो ये डेंटिस्ट के पास गए कि नए दांत लगा दो। तो उन्होंने कहा कि 1 घंटे में तो नहीं लग सकते। हाँ, जो आपका एक लटक रहा है वो खींच देते। मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ, बात बताना के जाता हूँ आप सबको, बताइए कि नोरा की ब्लर फोटो भी आ जाए ना इंटरनेट पे, उस पर इतने लाइक आ जाते जितने हमारी हाई रेजोल्यूशन फोटो पे भी नहीं आते। तो मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे ये है कि कभी घमंड होता है आपको इस बात का कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ? हंसती रहती है हमारी रेटिंग आ जाती है। जैसे नोरा आप आती हैं तो हम अपने घर से बेस्ट परफ्यूम निकालते हैं, जितनी भी हमारी औकात है उस हिसाब से एक्साइटमेंट होती है कि नोरा आ रही है, इतना अच्छा है ना। तो आपको क्या चीज एक्साइट करती है? म्यूजिक, डांस, यू।
I feel you, bro. अब हो गया है. कब से लगे हुए झांसी से आज जाके कॉम्प्लीमेंट. अब हो गया. नोरा, ये काजू आपके लिए और पिस्ता भी आप खाएंगे. पपीता भी काट सकते हैं. आयुष्मान, नोरा आई तो काजू ये खाओ वो खाओ. हाँ, व्हाट इज दिस? आप खाएं तो नोरा खा ले, अच्छा है ना. अभी ये ब्रेक होगी ना तो ब्रेक में आएंगी. नोरा, आई सॉ यू दैट डांस, यू नो हाउ गॉड इट परफॉर्मेंस. और ये मुट्ठी भर भर काजू खा जाती है, इसलिए मैंने कहा मेहमानों को पूछने. मैंने आप इतना तंग करती ना. नोरा, जनहित में एक छोटा सा मैसेज हमारे दर्शकों को दे दीजिए. कैमरा की तरफ देख के लोगों को ये बता दीजिए कि आपकी बीवी ही अंतिम सत्य है. उससे क्या है कि लोग पिटने से बच जाएंगे. आपकी अपनी बीवी. हाँ, आपकी अपनी बीवी. बोल दो प्लीज, आपका आपकी अपनी बीवी ही अंतिम सत्य है. क्या बोलो? आपकी बीवी. आपकी अपनी बीवी. अपनी बीवी. आपकी अपनी बीवी आखिरी सत्य है, अंतिम. नहीं नहीं, आई डोंट वांट. नहीं बोलना है. कपिल तू बोल दे, कैमरा में देखा. आप बोल दो. मैं गिन्नी, मुझे तेरे सिवाय और कोई नहीं नजर आता. मैं अभी घर से बोल के आता हूँ रोज. ना ना ना, यहाँ बोलना. सबके सामने इजहार कर. नजर क्यों नहीं? ये देखिए, वाक पटुता में मत उलझाइए. अगर मैं बोलूंगा कि मुझे तुम्हारे सिवा कोई नजर नहीं आता तो वो बोले कि तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम है, चेक करवाओ. हाँ, वो मेरी बीवी है, मेरा अंतिम सत्य है, यही है, मैं यही मानता हूँ. पर आप बड़ी प्यारी लग रही हैं. जोक्स अपार्ट, थैंक यू. मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि नोरा अभी अभी फीफा के एंथम में फीचर हुई है. बहुत मुबारक. पांडे नहीं, हमारा ड्रमर पांडे कह रहा था कि फुटबॉल पहले फीका ही था, इनके जाने के बाद फीफा हुआ है. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आप फीफा में गई तो जो फुटबॉल खेल रहे थे वो टकराए नहीं आपस में? क्योंकि आपकी तरफ देख देख के फुटबॉल खेलना इट्स नॉट ए इजी जॉब. तो जैसे नोरा फीफा के एंथम में गई थी, वैसे आयुष्मान भाई और जयदीप भाई 2020 वर्ल्ड कप में चीफ गेस्ट नहीं बन पाए क्योंकि ये फिल्मों में इतने बिजी है. तो अपने हमने एक्चुअली फिल्म प्रमोट करने जाना था पर इंडिया फाइनल में पहुंची नहीं. पर एनीवेज, इससे अच्छी और जगह क्या है? नहीं, बेस्ट. हाँ, सही है, सही बात है. ये बात सच है. आज कम से कम मेरी बहन ये मान लेगी कि मैं थोड़ा बहुत स्टार बन गया. अरे क्या बात कर रहे हो? मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ. उन्होंने इतनी बार बोला अर्चना जी कि मैं एक दिन गुस्से में आके इतना इतना वो तो एक तो वैसा वाला फील होता ना कि अरे कॉलेज के वो दिन. हाँ, और आपका पहले लाफ्टर चैलेंज, पहला लाफ्टर चैलेंज से लेके मैं आपको फॉलो करता हूँ. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. क्या बात है. और मुझे दोस्त आगे बढ़े तो चिड़ भी तो हो जाते ना कभी कभी. वो दोस्त ऐसे वाले दोस्त नहीं, पर एक ही जगह से निकले हुए लोग. भाई इतना गुस्से में आ गया. मैंने एक दिन उनको बोला कि कौन है कपिल, और मैं अंदर ही अंदर सोच रहा हूँ एक बार जाने तो पता. अरे भाई आपकी मोहब्बत. अरे भाई आप मतलब. पर तब मिले थे दूसरे से? नहीं, वो इतना वहां तो हजारों लोग होते हैं क्योंकि अलग अलग हॉस्टल में ठहरे हैं सब. और 25 यूनिवर्सिटीज होती है भाजी, 25 यूनिवर्सिटीज, तो सब अपनी अपनी जगहों पर रखे हुए. मुझे लगता है ये भी यूथ फेस्टिवल ही चल रहा है, बस ये कि थोड़ा अपग्रेड हो गया है. हाँ. चैनल की तरफ से कपड़े मिल जाते हैं. बस, एक अच्छा सेट लग गया है सामने. सबका धंधा चल रहा है. नहीं, आप तो यूथ फेस्टिवल में थी भी नहीं. अच्छा, तुम्हारे यूथ फेस्टिवल चल रहे और मुझे देखकर सबका धंधा चल रहा है. मेरा ही धंधा चल रहा है क्या? तेरा भी तो चल रहा है. ये जठानी थी मेरी पिछले जन्म में, देखा पूरा. नॉर्मली कैसे बाल ऐसे ऐसे करके बैठी रहती हो? या आई सॉ दैट. जैसे ही ऐसी बात करके देख लो पड़ती पूरा आपके ऊपर. मैंने देखा आपकी मैक्सिमम फिल्में आप जो चंडीगढ़ में शूट कर रहे हैं, आगरा में शूट कर रहे हैं, यूपी में है ना, ज्यादा ज्यादा दूर भी गए तो आसाम तक. जी, इस बार आप लंदन गए हैं, वो भी प्रोड्यूसर खर्चे. मजा तो बड़ा है. इससे पहले मेरी कोई फिल्म हरिद्वार के आगे नहीं गई. पहली बार लंदन में शूट किया हमने, तो इतना खुश था. मैंने कहा यार चलो, एक होता ना एक पंजाबी लड़का चंडीगढ़ से, बाहर शूटिंग होगी, तो दैट वाज अ ड्रीम कम. मतलब प्रोड्यूसर के पैसे से जाना कितना मजा आता वो अलग बात है. वैसे लंदन गया हूँ लेकिन शूटिंग करने पहली बार गया था. हाँ. जब आपको होटल वालों को पूछना ही नहीं है क्या नहीं. बिल क्या नहीं. मेरे लिए तो वैसे ही बहुत स्पेशल था भाजी, क्योंकि मैं मम्मी पापा को पहली बार
वो आउट ऑफ इंडिया गए थे लंडन, वो 15 दिन घूम के आए, तो मेरे लिए तो मतलब वो ऐसा हो गया था, हरियाणा गाँव में कहावत बोलते ना, हाँ तू कौन सा लंदन जागा, तो मेरे बाबा लंदन गए थे पहली बार बाहर। अच्छा वाह, क्या बात, वाइफ मेरी यही है। अच्छा, अरे नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। क्या ज्योति अब मिले आज पूरी फैन, मतलब अरे मुझे पता नहीं ना, पीछे भांजा बैठा हुआ है, हेलो हेलो, बहुत बड़ा फैन है ये, दोस्त है सुमित, सुमित जो है यहाँ इस फिल्म में भी है एक रोल में, मेरा छोटा भाई बना हुआ है, मैड फैमिली अबाउट कपिल शर्मा शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, शुक्रिया। और ये पीछे जो कैप पहन के बैठे हैं, चश्मा लगा के अंधाधुन वाले करेक्टर में, ये भी आपके साथ नहीं आए कहीं? कैसे महाराज? मुझे लग रहा है पोलैंड से पीछे ही इनके। चश्मे में कैसे दिख रहे हैं आयुष्मान? बहुत बहुत वेरी वेरी हैंडसम अट्रैक्टिव। कोरोना साहब आप बहुत आगे जाइएगा। अच्छा मुझे लगा था मेरी इंग्लिश खराब है, इनका तो बेड़ा ही करता है। कपिल सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। चश्मा नूरा को देख के लगाया आपने? यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल सर, नूरा जी को भगवान ने ऐसा बनाया है, फुर्सत से बनाया तो बिल्कुल थोड़ा। हाउ स्वीट, सिक्योरिटी इनको ले जाओ बाहर। मेरे सामने मेरी मेहमान के साथ फ्लर्ट करते हो आप? टोपी में भी लिखा नॉट्स, नॉटी है बंदा ये। कहाँ से आए ब्रदर आप? सर मैं झारखंड से हूँ सर। झारखंड से आए हैं, यहाँ मुंबई में रहते हैं आप? सर मैं मंजिल की तलाश में मुंबई आया हूँ। मंजिल कौन? तो इधर कैसे घुस गए स्टूडियो में? एक्चुअली सर छोटा मोटा बड़ी बात है, एक्चुअली छोटा मोटा कलाकार मैं भी हूँ। और अरे कलाकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता ब्रदर, कलाकार होता है। क्या क्या करते हैं आप? मैं एक्टर हूँ सर। एक्टर आप, करके बताओ ना कुछ भाई को अभी। अच्छा एक्टिंग करके दिखाऊं? नहीं, भरवा करेला बना के दिखाना उनको। अरे अभी आप बोल रहे हो मैं एक्टर हूँ तो वही करके दिखाएंगे। उड़ने की बात परिंदे करता है मदन चोपड़ा, टूटे हुए पर नहीं, चिल्लाओ मत, हाथ करो वो रेश के मैदान। तुमने तो मुझे अपना चेला माना नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हें अपना गुरु मानकर अपनी जीती हुई बाजी तुम्हारे नाम कर दिया था, क्योंकि मेरा मंजिल वो रेस की ट्रॉफी नहीं था, मेरा मंजिल था ये कुर्सी। आज आया, आज से 15 साल पहले एक देवता रूपी इंसान ने तुम्हें गले लगाया था, और तूने जिसके पीठ के पीछे अपने धोखे का छोरा घोप दिया था, मैं उसी विश्वनाथ शर्मा का बेटा अजय शर्मा हूं। आज आया। I love your attitude, bro. क्या बात? Brilliant. अच्छा क्या डायलॉग लंबा था ना, तो याद आया जब लास्ट में बोला ना, तो याद निकला नहीं क्योंकि सांस फूल के कहते याद आया। गलतियां होगा क्षमा कीजिएगा। नहीं नहीं बहुत अच्छा ब्रदर। सर मैं अपने पड़ोसियों को वादा किया कि मैं कपिल सर से मिल के आऊंगा और हाथ मिलाऊंगा, उन लोगों को चलाना है मुझे कि मैं कपिल सर के शो में गया है, तो अगर आप इफ यू डोंट माइंड तो वहां पर आ जाऊं। अरे अरे ब्रदर आपके साथ हो जाए, इतना जलाना है। मैं वो बहुत बड़ा फैन हूं सर। आ भी ब्रो, अरे बहुत बढ़िया हो, कमाल, शुक्रिया। आपने नाम आपका? मेरा नाम आदित्य हो सर, आदित्य मंडल। आदित्य बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। हमें भी सर, नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू ब्रदर, सो जेंटलमैन सर। क्या बात है, लव यू ब्रदर। आइए आइए, अरे दादा फोटो दे दे, दादा कर दो काम। थैंक यू जेंटलमैन, राजू मुन के जेंटलमैन। थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। आयुष्मान भाई, जैसे पिछली फिल्म में आप वाणी कपूर के साथ रोमांस कर रहे थे, इस फिल्म में आप जयदीप भाई के साथ लात मुक्का हो रहा है। देखिए ब्रोमांस हो रहा है, ब्रोमांस हो रहा है। हाँ ब्रोमांस हो रहा है, ब्रोमांस। अर्चना जी का सवाल था कि रिस्क वाली फिल्म के पैसे ज्यादा लेते हो कि इश्क वाली फिल्म के? ओह गुड गॉड भाजी, ऐसा है कि फिल्म फिल्म होती है, चाहे रिस्क करवा लो या इश्क करवा लो, एक्टर एक्टर होता है, जो कह दो वो करने को तैयार हो जाते हैं, और कुछ नहीं। यहाँ भी अलग तरह का इश्क है वैसे हमारे बीच में, एक बहुत ही लव हेट रिलेशनशिप है पिक्चर में हमारा। नहीं, हमने कोशिश की थी कि कोई हीरोइन ना हो ताकि आप हमसे ही बात कर पाओ। पर हमें क्या पता था कि उसके बावजूद नोरा बीच में आएंगी हमारे। नोरा तो यहाँ है। हाय हाय, नोरा यहाँ है। आंटी जी, आंटी जी नमस्ते। मम्मी आपको प्रणाम कर रहे हैं। आप कुछ कहते नहीं? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आप कैसे बेटा? बस एकदम दुआएं हैं आप। हाय मम्मी ने कितनी लंबी लाइन हिंदी में बोली आज। आप कैसे हो बेटा, वाह मम्मी। बाकी जनरली क्या बात है, इससे आगे भी अगर बोलो ना हिंदी में तब मजा आ जाए। पूछो आपका गांव कौन सा है, पूछो जरा। आपका गांव कौन सा है बेटा? ओ वाह मम्मी, तो मुझे भी कपिल बुला लिया करो कभी, कपल कपल बोलते रहते हो। अब तो कपल हो ही गए, मैं कपिल ही बोल दिया।
आगे ना मम्मी पंजाबी कपिल कपिल वेरी गुड मम्मी आई एम प्राउड ऑफ यू शाबाश पिछले दिनों ना यूएस यूके के वीजा मिलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज ऑफ कोविड बहुत लोगों ने ट्रैवल भी नहीं किया था और लोग एकदम से निकले अब भी आप यूएस का या यूके का वीजा के लिए अप्लाई करो तो बड़ी लेट अपॉइंटमेंट मिलता है आप फिल्म में भाई का बदला लेने के लिए लंदन पहुंच जाते हो तो अगर वीजा एप्लीकेशन में लिख दो कि बदला लेने जाना है तो वीजा जल्दी मिलता है हो सकता है सामने वाले लगे कि ये बदला यही ना ले ले इसको वहीं पे भाई ये तो आप मेरी बात से एग्री करोगे नोरा आप तो बाहर स्कूल में पढ़ी हैं हमारे यहाँ पे क्या होता है स्कूल में अगर छोटे भाई को मान लो क्लास में झगड़ा हो गया वो बड़े भाई को बुला के लाता है जैसे मेरे को ना मेरे एक टीचर ने अभी मार दिया किसी और बात पे उन गलती से मेरे को पीट दिया अभी तो मैंने अपने बड़े भाई को बताया मेरा बड़ा भाई आया फिर मेरे बड़े भाई को भी पीटा उन्होंने होता है ऐसे सामूहिक पिटाई हुई पारिवारिक पिटाई मैं ही बोलता हूँ कि आपके भाई अपार शक्ति आपसे छोटे हैं जी वो कभी आपको स्कूल में ले गए हैं कि पाजी मेरे को झगड़ा हुआ मेरे को मारा मेरे को बहुत बार लेके गए हैं पर मैं वो लड़ने वाली प्रवृत्ति में है नहीं तो मेरे दोस्त मेरे साथ होते थे अच्छा तो वो बस खड़े होते थे फिर वो मारता था हम खड़े रहते थे अच्छा आप प्रवृत्ति में नहीं है नहीं शुरू ये नहीं कहते कि मैं मेन डाउन था नहीं 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 कि मैं पिटवाता था बंदों से नहीं मतलब क्योंकि वो हरकत ही मेरे छोटा भाई ऐसे करता था रोज लड़ाई उसकी होती थी अपार ही इज अ चेंज्ड मैन नाउ बचपन में उसकी रोज लड़ाई होती थी और उसकी वजह से मैं फंस जाता था और बस फिर क्या या तो मार पड़ती थी या फिर मारते थे वही होता था अब नाउ ही इज अ चेंज्ड मैन कंप्लीट मतलब पहचान नहीं सकते आप उसको हर इंसान बदलता है कई नहीं बदलते वो अलग बात है तू कब बदलेगा मैं कितना बदलूं और क्या करूं साड़ी पहननी शुरू कर दूं क्या बदलूं मैं नोरा जब भी आप आती है चटपटी बातें करना बड़ा अच्छा लगता है नोरा पानी पूरी खाया आपने कभी हाँ पानी नहीं नहीं मैंने नहीं, नहीं खाती पानी पूरी नहीं खाया कभी नहीं खाती मैं पहली लड़की जो सुना है पानी पूरी नहीं खाती नहीं कनाडा से अरे कनाडा से तो खा के देखो एक बार आप ट्राई करो नोरा देखा बट ट्राई तो नहीं किया पर आपको पता अगर आप पानी पूरी खाने जाएं आप पानीपुरी वाले को गिनती बुला सकती है वो गिनते हैं ना एक दो आप 15 खा लो चाहे आप बोलो 4 ही हुए हैं वो कहेगा नहीं जी नहीं 2 ही हुए हैं आप खड़ी रहो आपके चक्कर मेरे 250 बिक गए अर्चना जी खाती हैं ये तीखा ज्यादा खाती हैं नहीं तो उसी पानीपुरी वाले का मुंह पकड़ के ना घड़े में डाल देती ये एक ही शख्स है दुनिया में जिसे मेरे सारे इन सब टैलेंट्स के बारे में पता है मैं ये भी कर सकती हूँ मैं दारा सिंह को भी हरा सकती हूँ मैं किसी की गर्दन लेकर अरे यार क्या क्या नहीं कर सकती मैं है ना कपिल थैंक यू मुझे तो जितना पता है मैं उतने बता सकता हूँ बाकी मेरे परमीर सर को पता है ज्यादा आयुष्मान भाई जैसे फिल्म में दिखाया है कि आप हरियाणा में शूटिंग करने जाते हो और वहां पे कोई इंसिडेंट हो जाता है गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से फिर आप पूरी फिल्म में भाग रहे हो रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ आप शूटिंग करने गए हो कोई पंगा हो गया हो वैसे नहीं हुआ भाई आपके साथ कभी हुआ ऐसे हाँ मेरठ के बगल में एक गांव था नाभा करके आई थिंक अच्छा वहाँ एक दिन एक शूट कर रहे थे तो वहाँ किसी लोकल आदमी को लगा कि जो कहानी बन रही है वो उनके पिताजी पे बन रही है क्या? पिताजी शायद थोड़ा बहुत अच्छा होंगे क्रिमिनल टाइप तो ये दो बंदूकें लेके आ गए और पिए हुए दिन दहाड़े गर्मी में अच्छा बस वो लगे गर्मी में पी स्क्रिप्ट पढ़वाओ हमें और ये सब ओह माय गॉड ओह किसी तरह समझा बुझा के भेजा उनको मेरे साथ भी हुआ था एक बार आपके साथ तो वैसे ही तलवारें चल जाती होंगी आपको स्क्रिप्ट भाभी देख रही हैं आप वो भी अचानक से तलवार दो चार उसके घर में भी पड़ी है ओह I was just saying it's going great actually. जब इस तरह की बातें होती हैं, लोगों को लगता है वाइफ है तो शायद no she'll say something. But I actually like it. अच्छा अलग किंग है यार. उसको पता है वो अंतिम सत्य है. क्या बात है? मैं मेरी वाइफ से कहना चाहूँगा कि learn something. तो जैसे मैंने इनसे पूछा कि कोई शूट में गड़बड़ हुई मैं आपसे ये पूछने वाला था कि आप जितने भी शूट पे जाती हैं कभी सही तरीके से हुआ कोई कोई ना कोई तो पंगा होता है नोरा आई देखना है बट मतलब ऑडियंस के साथ फैंस के साथ नहीं बट कोएक्टर के साथ हाँ हुआ मेरे साथ क्या क्या मेरी पहली फिल्म है हम सेट पे थे
और हम सुंदरबन में शूट कर रहे थे बांग्लादेश में, तो जंगल, एकदम जंगल में. अच्छा. एंड एक को एक्टर था तो वो बदतमीज था मेरे साथ, तो मैंने थप्पड़ मारा उसको. ओह माय गॉड. अच्छा. तो फिर उसने थप्पड़ मारा मुझे. तो फिर मैंने थप्पड़ मारा दोबारा, तो फिर उसने खींचा मेरा बाल. मैंने भी खींचा तो फिर बहुत झगड़ा हुआ, वो गंदा वाला झगड़ा हुआ. तो वो डायरेक्टर आया हमारे बीच में. उसको. Yeah, I swear, कुत्ता. आय आयुष्मान, आय जयदीप, आय गर्मी. मैं आपको बता दूं, ये हमारे मोहल्ले के फनी देओल हैं. क्यों आए आप यहाँ? मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ ये पूछ रहे हैं आप मुझसे? हाँ. काफी वक्त से एक्शन हीरो से मिलने की ख्वाहिश थी, आ गया हूँ मैं. सब लोग अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो, मिल लो एक्शन हीरो से. ये तो है, इनसे बड़ा एक्शन हीरो कोई है नहीं है, नहीं तो दो टांगों पे इतना सामान लेके घूमना मुश्किल काम है. मेरी बातें क्यों कर रहे हैं आप? मेहमान आए, मेहमानों की बातें कीजिए, इनसे बात कीजिए. ओ जयदीप जी, मैंने फिल्में देखी, बड़ा कमाल का काम करते हैं आप. हर किरदार अलग करते हैं आप, सारा काम अलग 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 अलग. तो एक काम कीजिए, ये मेरे ईयरफोन की तार उलझ गई है, जरा अलग कर देंगे. थैंक यू. थोड़ा नोरा जी से बात कर लेता हूँ. आई रियली लाइक यू. नहीं, मैं बड़ा पसंद करता हूँ आपको. जब भी मैं आपकी झील जैसी आंखों में देखता हूँ, मैं डूब जाता हूँ. डूबता ही जाता हूँ, डूबता ही जाता हूँ, डूबता ही जाता हूँ. बुड़बुड़ 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 बुड़बुड़. ये बात आप और भी दो हीरोइन को बोल चुके हैं आप. तो मेरी बातें कौन सी OTP है जो रिपीट नहीं हो सकती, कातिया? वैसे आयुष्मान जी, मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा, कमाल का ट्रेलर था. वाओ. लेकिन मुझे एक बात बताइए, वहां पर आप लंदन गए फिल्म में, वहां जाकर आपने एक भी बार ओए नहीं कहा, आपने अशरफ अली को डांटा नहीं, एक भी हैंडपंप आपने उखाड़ा नहीं, ऐसा क्यों? इतना दूर तक गए थे, कम से कम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो उखाड़ देते. लंदन में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी USA में. हाँ, तो जब वहां लंदन आता तब उखाड़ देते. तो स्टैच्यू कैसे आएगा? ये कैसा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है जिसे इतनी भी लिबर्टी नहीं कि यहाँ से वहां जा सके. It just makes no sense. समझ रहे हैं आप? लेकिन मैं हूँ असली एक्शन हीरो. ये तो वही है जो सनसनी में न्यूज पढ़ते हैं. जयंत से सोना है तो जाग जाइए. हाय आयुष्मान. हाय. हाय जयदीप. हाय गर्मी. ये जोक मैं क्रैक कर चुका हूँ पहले ही. अरे अच्छा, वो तूने बता दिया, अब मैं तेरी बात एडिट में कटवा दूंगा. ओहो, और तू खुद को एक्शन हीरो समझता है? निसंदेह. अब तेरी जात का फायदा मारू और नोरा फतेह को लाइन मारू. आयुष. अरे आयुष्मान खुराना सर. अरे इनको बताइए, मैं बहुत बड़ा एक्शन हीरो हूँ. अरे अमी कोबरा है कोबरा, मेरा डसा तो पानी भी नहीं मांगता है. अरे जिहाल मस्किन मुकुंद रंजिस, बेहाल हिजरा बेचारा दिल है. समझा? कुछ नहीं समझा मैं. अरे मैं भी नहीं समझा. अरे आयुष्मान खुराना सर, आप इनको बता दीजिए कि मैं बहुत बड़ा एक्शन हीरो हूँ. अरे मैंने तो साइकिल के पीछे खड़े होके मशीन गन्स की गोली को रोका. मैंने देखा था ये तो किया है आपने, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं. Very good. मैंने मुंह से ट्रक को रोक दिया था. अरे कैसे रे? मैं ट्रक वाले के बगल में बैठा था, मैंने कहा ट्रक रोको, उसने रोक दी. इजी, इट्स सो इजी. अरे ये तो कुछ भी नहीं है. अच्छा? अरे मेरा सुनेंगे तो कांप जाएंगे. ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है. ये चीटिंग है.
ये चीटिंग है, आप मेरा डायलॉग बोल रहे हैं। अरे मैंने तेरा बोला, तू मेरा बोल के दिखा। कौन सा? जी हाल मस्किन मुकुंद वरंजीस, बेहाला हिजरा बेचारा दिल है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, इसमें कोई बात नहीं है। जी हाल मस्किन मुकुंद वरंजीस, इसको नीचे करके बोलो। जी हाल मस्किन मुकुंद वरंजीस, उंगली नहीं करनी है, बिना उंगली किए बोलो। अरे मैंने कहा उंगली नहीं करनी है, अब बोल के दिखा। ये जूता कहाँ से लिया? अरे लोखंड। ऐसा नहीं चलेगा रे, ये मुश्किल ऐसे नहीं होता है दादा। हाँ देखा, ये मस्किन मुकुंद वरंजीस, इतना 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 तो चाहिए, हाथ चाहिए, उसके बिना फील नहीं आता है। देखा, बिना उंगली के नहीं बोल पाता है, मैं ही असली एक्शन हीरो हूं। वॉइस, ये कैसे साबित हुआ? नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, निकल। सबसे बड़ा एक्शन हीरो मैं हूं। नाइस, आप हाय एवरीबॉडी, हाय, हाय, क्या बात है, क्या बात है। हाय जयदीप जी, हाय आयुष्मान जी, हाय गर्मी। अरे ए, ये डायलॉग तो मैं बोल चुका हूँ। हाँ वो मैं एडिट करवा दूंगा। जयदीप जी, देख रहे हैं, एक तरफ रियल एक्शन हीरो, एक तरफ ये नकली लोग खड़े हुए हैं, मजा नहीं आ रहा है। आपको कौन सा आरबीआई ने छापा है? Yes, बहुत सही बोला रहे अशरफ अली के दुश्मन। एक तो आप इतना हिला मत कीजिए, मेरे सर में दर्द होता है, मुझे चक्कर आते हैं। बैठो बैठो, चक्कर नहीं आएगा। अरे ये ले नींबू चाट। ए दादा अली, दादा अली, दादा अली, तू कहे तो मैं बैठूं, तू कहे तो मैं नींबू चाटूं। लेकिन ट्राई कर सकता हूँ। टेस्ट नहीं आ रहा कुछ। अरे इस नींबू को काट के चाट। तू कहे तो मैं काटू, तू कहे तो मैं नींबू चाटू। अरे वाह, क्या राइम बनाई है, क्या बात है। तू तो शायरी की दुनिया में अपना नाम खराब कर सकता है। माय ऑल द बेस्ट लक विथ यू। देख रहे हो आयुष्मान जी, मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूँ, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है। साउंड लाइक हिम। थैंक यू मैडम, दिमाग खराब हो गया मेरा। मैं आपको शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा डायलॉग ये था। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो आप 2-3 साल तक पहले पहले उसको खूब झूला झुलाएं, खूब झूला झुलाएं। अगर नहीं झुलाएंगे तो वो बच्चा बड़ा होकर ऐसे झूलेगा। अरे जी हाल मस्किन मुकुंद वरंजीस, बेहाल हिजरा बेचारा दिल है। ये क्या है, ये क्यों बोलते रहते हैं आप, क्यों बोलते रहते हैं बार बार? अरे क्योंकि तू नहीं बोल पाता है रे। अच्छा ये बात है, ऊट ऊंचा ऊट की पीठ ऊंची, पूछ ऊंची ऊट की, ऊट ऊंचा ऊट की पीठ ऊंची, पूछ ऊंची ऊट की, ये बोलिए आप। अरे ये तो बड़ा आसान है, बोलिए बोलिए। ऊट ऊंचा ऊट की पीठ ऊंची। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मेरी उंगली को रोका था ना आपने, सीधे खड़े रह के बोलिए। ठीक है, बनता है, बनता है। अरे ऊंट ऊंचा ऊंट की नहीं, नहीं दादा, आदमी नहीं, आदमी नहीं, पैर भी नहीं, कुछ नहीं, सीधे खड़े रहिए और बोलिए। ठीक है, ऊंट भी ऊंचा ऊंट की पीठ, सीधे मतलब सीधे, हिलना नहीं है, आप बोलिए। अच्छा ठीक है, और ये पैंट कहाँ से ली तूने? ये वाली पैंट। ऊंट ऊंचा ऊंट की, देखिए दादा से भी नहीं होता है। हाँ ये वेरी गुड, आप दोनों आपस में ये करिए, बहुत अच्छा चल रहा है, तब तक मैं गैड शूट कर लेता हूँ। दोस्तों अरे जिंदगी में कभी भी, लाइफ में आपको ऊपर जाना है। अरे आप तेरे नाम का मुर्गा पालू और शाम को पका के उसे खा लू। अरे अमी कोबरा है कोबरा। तो यहाँ बाहर क्यों घूम रहा है, बिल में जाए आपने।
तू कोबरा होगा लेकिन मैं सबसे बड़ा एक्शन हीरो हूँ. मैं इतना बड़ा एक्शन हीरो हूँ आयुष्मान जी कि मैं एक उंगली पे खड़ा हो सकता हूँ. एक उंगली पे? हाँ. ऐसे कैसे मान लू? खड़ा होके दिखाना. रख अपनी उंगली रख. रख मैं अभी खड़ा होता हूँ. ट्राई दादा ट्राई. अरे ये तो कोई भी कर लेगा. अरे मेरा सुन. हाँ. मैं तो गन्ने के मशीन में हाथ डाल लेता हूँ. वो दर्द नहीं होता आपको? अबे बंद गन्ने के मशीन में हाथ डालता हूँ बे. दादा हूँ दादा एड़ा नहीं. अरे मैंने जीने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है. स्ट्रगल से मुझे याद आया जयदीप जी मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है. मेरे गांव में जब मैं छोटा था मोमबत्ती की रोशनी में मैंने पढ़ाई की है. ये तो कुछ भी नहीं है. मेरे गांव में तो बत्ती भी नहीं थी. मेरे गांव में बत्ती नहीं थी मोमबत्ती भी नहीं थी. मैंने तो अगरबत्ती की रोशनी में पढ़ाई की है. अरे ये तो कुछ भी नहीं है. अच्छा मेरे गांव में लाइट थी ना मोमबत्ती ना अगरबत्ती. मेरे चाचा की बेटी थी रोशनी. मैंने रोशनी के साथ पढ़ाई की है. कोई शक वैसे आप लोगों ने एक बात रियलाइज की. क्या? हम तीनों ने अगर दिन में पढ़ाई कर ली होती तो ये हरकतें हमें करनी नहीं पड़ती. वेरी वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन. आई मस्ट टेल यू फनी जी आर वेरी गुड. लेकिन यहाँ पर जो बातें हैं वो एक्शन हीरो की हो रही है. और असली एक्शन हीरो वही होता है जो कुछ कुछ नया पेश करे. समथिंग न्यू यू नो. तो मैं आपको कुछ नया करके बताता हूँ. ये मैं ले लेता हूँ. मैं आपको कुछ करके क्योंकि नई चीज कंडी होती है. बॉडी लैंग्वेज भी. He sounds exactly. ये नई चीज होती है. जो ये कर सकते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं. ये तो कमाल कर दिया आपने जी. एक बात बताइए जी. अगले महीने की 11 तारीख को एक छोटे से बच्चे की बर्थडे पार्टी है. कर दीजिए वहां पे आके. 1500 मिलेगा. 1500. लेकिन यार वो 11 तारीख बताया ना. वो बिजी हूँ मैं ऑलरेडी बुक हूँ. 11:30 11:30 क्या होता है? शाम को आ जाइए. अरे ये सीखने में कितना टाइम जाता है. क्योंकि मेरा 11:30 11 दोनों फ्री है. मैं आपको बताऊं ये सीखने में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं. लेकिन सीधा खड़ा होके सीखना पड़ता है. वो सीखने में इनको 5 साल लग जाएंगे. अरे इतना मत तरो डूब जाएगा. दोस्तों ये सब ऐसी बातें करते रहते. इनकी बातों पे ना ध्यान दें. मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ. मैंने अपने 30 साल के कैरियर में एक्शन भी किया है रोमांस भी किया है. लेकिन इन दोनों ने गुंडों को मार मार के ये रोमांस भूल गए. रोमांस नहीं किया इन दोनों. आज नोरा जी आई हैं तो यहाँ पर रोमांस भी होगा डांस भी होगा. आप दोनों भी आइएगा. पाजी आपकी फोटोग्राफ जो आप सोशल मीडिया पे अपने फैंस के लिए डालते हैं बड़ा मजेदार है. आइए जयदीप पाजी. आप दिखाइए जरा. आयुष्मान ने ये फोटो डाला है. मॉर्निंग वॉन्ट टू राइट ए सॉन्ग कॉल्ड ओ कैंदी मेनू डैडी. हाँ हाँ इस कैप्शन की एक स्टोरी डाली थी बट दिस डिजर्व टू बी एज ए पोस्ट कैप्शन. बाय द वे अभी नींद पूरी नहीं हुई. वेयर इज माई आई मास्क. काफी इंग्लिश लिखी भाजी. आइए कमेंट्स पढ़ते हैं. भाई कहना क्या चाहते हो? आगे जैसे एक मोर मोरनी को रिझाने के लिए अपने पंख फैला लेता है वैसे ही ये नर पड़ोसी मादा को रिझाने के लिए शरीर की मांसपेशियों का प्रदर्शन कर रहा है. भाई फोटो सेशन हो गया हो तो नीचे जाके कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट कर लो. 11 बजे के बाद पैसे लगते हैं. ये बात सच. ये पेरिस की फोटो है. हमेशा ब्रेकफास्ट में सो जाता था एक्चुअली. आगे दिखाइए. और अगर आपको अपनी नाभि गोल और गहरी करनी तो हमें संपर्क करें. हमारे पास प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित लेप है.
जो आपकी नाभि को सुंदर व आकर्षित बना देगा। डीएम करे। सर मुझे लगता है मेरी नाभि बहुत आकर्षित है, वो गोल गहरी सुरंग थोड़ी बनानी है वहां पे। आगे चलिए। शेरों के साथ नोरा डर नहीं लगा आपको? नहीं, क्योंकि मैं तो शेर नहीं हूँ ना। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। शेर भी मरे पड़े हैं खुशी के मारे। वाह, खूबसूरती की ऐसी बला है साहब, शेर भी घुटनों पे आ गया। शेर के साथ पीछे से फोटो खिंचाने में यही फायदा है, भागने में आसानी होती है। आगे दिखाइए। 250 किलो का शेर। इस फोटो को देखकर मुझे भी दो शेर याद आ गए। किसने रिप्लाई किया? इरशाद। इरशाद, ताजमहल आगरा से खिसक कर दिल्ली हो गया, नोरा को देख के शेर बिल्ली हो गया। सुभान अल्लाह। फिर रिप्लाई आया, भाई मैं अपना इरशाद वापिस ले रहा हूँ। आगे दिखाइए। शेर नोरा को इंप्रेस करने के लिए हाय गर्मी वाला स्टेप कर रहे हैं। ये थॉटफुल था। और दिखाइए। जयदीप भाई ने फोड़ डाला, सारे पटाखे आज ही फोड़ दिए। ये लो सारे एक ही दिन में फोड़ दिए, अब क्या करें। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। जुए में हार कर निराश ना हो, आपकी कुंडली में चौथे और पांचवें घर में दोष है, निवारण के लिए डीएम करें। ये पटाखे से ज्यादा दिवाली के खर्चे का हिसाब लगा रहे हैं। जब आपने 4 मेहमानों के लिए 10 समोसे मंगाए हो और वो सारे खा जाएं। मरीन ड्राइव पर कपल्स को देखकर मेरी शक्ल भी ऐसी ही हो जाती है। और दिखाइए। बैक सीट में भी सीट बेल्ट पहना करो दोस्तों, वैसे काफी दिनों बाद अपना ये गाना याद आया। ओ हीरिये, नाइस पिक्चर। कमेंट्स देखते हैं। उसके लिए कार भी होनी चाहिए। किसी ने लिखा है, बीवी को एयरपोर्ट छोड़ के आते हुए। मॉर्निंग फ्लाइट से पहले पेट साफ हो जाए तो मैं भी ऐसे ही खुश रहता हूँ। ये गहरा था। गहरा है। ये पीछे वाला क्यों आपकी सेल्फी में टांग अड़ा रहा है? अच्छा, हो सकता है उन्हें अपनी शक्ल पे कॉन्फिडेंस ना हो। आई कैन रिलेट कहता है। आई कैन रिलेट। आगे बढ़ते हैं। न्यू डर्टी लिटिल सीक्रेट्स, माय फर्स्ट टाइम डायरेक्टिंग ए म्यूजिक वीडियो है। नोरा, कब किया डायरेक्ट वीडियो आपने? 5 months back. आप इसमें खुद ही मॉडल भी हो? नहीं, मैंने गाया और आपने गाया किया और डायरेक्ट किया। हाँ। अरे वाह, क्या बात है। हाँ जी, कमेंट्स दिखाइए। नोरा, आप डायरेक्टर बन गई हो तो मैं आपसे डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ। प्लीज अपना नंबर दे दो। ये कौन है अभी? अगर असली माइक पकड़ा है तो एक बार दिनेश आई लव यू बोलिए। और दिनेश, ये तूने तो नहीं लिखा। आगे बढ़ते हैं और दिखाइए। जयदीप साहब ने फोटो डाला है करीना कपूर जी के साथ। सो मच डिवोशन इन लर्निंग हाउ टू पाउट फ्रॉम द बेस्ट एंड आई फेल्ड। अच्छा जी, कमेंट्स पढ़ते हैं। करीना जी का तो पाउट लग रहा है, आपका ऐसा लग रहा है जैसे खैनी दबा रखी। आगे बढ़ते हैं। ओ भाई साहब, भाई मैं भी आपकी तरह पाउट तो नहीं बना सकता लेकिन स्प्राउट अच्छे बना लेता हूँ, आप भी ट्राई करें। और दिखाइए आगे। So random. आयुष्मान ने फोटो डाला, हैप्पी बर्थडे श्रीराम सर, सो व्हेन आर वी शूटिंग नेक्स्ट। ठीक है, पिस्तौल पकड़ा हुआ उन्होंने। दिखाइए नीचे कमेंट्स। मेरा दोस्त भी जब पियानो बजाता है तो उससे भी बंदूक दिखा के बंद कराना पड़ता है। नखरे दिखाने पे डायरेक्टर हीरो को गोली देते हुए। लगता है आयुष्मान नहीं रहे थे इसलिए डायरेक्टर ने अपना यंत्र निकाला है। अच्छा, वर्ड प्ले भी किया है बंदे ने। आगे दिखाइए। बेबी कम क्लोजर। No, not you. She's not talking to you. आप मेरी कुंडली में बैठी हो कोबरा बनके। जी आइए कमेंट्स देखते हैं। मेरा नाम बेबी है, मैं वलसाड़ तक पहुंच गया हूँ। थोड़ी देर और रुकिए, मैं आपके पास पहुंच रहा हूँ।
अगर इनके बालों में मक्खी घुस जाए तो बाहर निकलने में उसकी उम्र निकल जाए। आपके बाल देख के याद आया, मैंने गैस पे नूडल चढ़ाए हैं। और आगे दिखाइए, क्रिएटिव जनता है। फाइट मास्टर, बजाता जाएगा। तुमने मेरे अंदर के कीड़े मार दिए। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा, अगर 300 लोग एक साथ तुम पे हमला कर दें तो तुम्हें कैसे बचना है। कैसे? पाजी मैंने नहीं किया, माँ की कसम मैंने नहीं। ठीक है? लेकिन सर मुझे 300 लोग क्यों मारने आएंगे? क्या बात है? क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो। 600 लोग मारने आएंगे मुझे, क्या तुम्हें अकेला मार खाऊंगा? तू भी तो खाएगा ना। लेकिन तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ भी कहने से पहले उन्हें तुम्हारी लाश पे से गुजरना होगा। अरे आप उल्टा बोल रहे हैं। हाँ सॉरी, मुझे कुछ करने के लिए उन्हें तुम्हारी लाश पे से गुजरना होगा। अरे अभी भी उल्टा बोल रहे हैं आप। तू जैसे मर्जी लगा ले, लाश तू ही बनेगा। चलो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा, 3 गिनने पे तुम मेरे पे आक्रमण करोगे। अच्छा रेडी? खाना खा के नहीं आया? मैं पूछ रहा हूँ रेडी करे? बोल ना रेडी, आवाज आनी चाहिए। रेडी? हाँ रेडी है। कितना रेडी? सही है। अब रेडी है, अब रेडी है। मेरे 3 गिनने पे तुम उस पर आक्रमण करोगे। ठीक। रेडी 3। ये क्या कर रहे हैं उस्ताद जी? वेरी गुड, हम तुम्हारे हमले से खुश हुए। इसी बात पे हम तुम्हें अपनी ये काली बेल्ट देते हैं। देखो भाई, जो कितनी जोर से मारा है कुत्ता। क्या बात है भाई, ये बैठिए ना इधर। अरे एक्शन हीरो से पूरी कास्ट आई है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका स्वागत है। ये क्या है, जैकी चैन का मौजा सुन के आए आप? ये क्या बोल रहे हैं आप? कुछ भी मत बोला करिए साहब, ये ब्रूस ली का है। ये बने क्या हुए आप? मैं आयुष्मान जी जी म्यूजिक के साथ साथ आजकल कराटे भी सिखाता हूँ। सेल्फ डिफेंस सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं शो करने जाता हूँ स्टेज पे तो सुरीले लोग मेरा गला दबा देते हैं। तो आप क्यों गाते हो बिसुरा फिर इतना? मैं नहीं गाता, वो नेचुरली आता है, गॉड गिफ्ट है यार। और आयुष्मान जी, मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा भाई, ऐसा लगा आपको देख के आप यही करने के लिए पैदा हुए हैं। और जैसे आपको देख के लगता है कि आप पैदा ही क्यों हुए हैं। सेम, मेरी भी माँ मुझसे यही कहती है कि तू पैदा क्यों हुआ है। अरे तुमने पैदा किया तुम्हें पता होगा। नोरा जी,
नोर नोरा नो नो हाँ ये ठीक है। नोरा जी आप बॉलीवुड से इतना प्यार करती हैं कि आप कनाडा से आप इंडिया आ गई, अगर आप और भी कहीं दूर होती तब भी क्या आप इंडिया आती? अगर आप ब्राजील होती तो भी आती, मोरक्को या फिर युगांडा साउथ अफ्रीका कहीं भी होती तो आती। आप सुनना क्या चाहते हैं? नहीं सुनना नहीं, मैं देख रहा हूँ मुझे कितनी कंट्रीज के नाम याद है। याद है भाई, याद है मुझे। जयदीप साहब जी, साहब मैंने सुना आप हरियाणा में पैदा हुए थे। जी मैं भी वहीं पैदा हुआ था। कहाँ? वहीं। वहीं कहाँ? मेरे गांव का नाम है वहीं। अच्छा गांव वहीं, तहसील यहीं, डिस्ट्रिक्ट दही। अच्छा तहसील दही, अभी रायता फैला रहे हो आप। करने क्या आए आप इधर? ये फिल्म की प्रमोशन करने आए हैं। ये नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या करने आए हैं? अच्छा मैंने आपका बताया, आप मेरा बताइए। साजी या? क्या बात है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। या गेट आउट, बहुत हो गई आपकी फालतू बातें। नहीं साहब एक फालतू की बात अभी इम्पोर्टेंट बाकी है। जी साहब मैंने सुना है आपके फादर साहब एस्ट्रोलॉजर हैं। जी तो क्या आप उनसे प्लीज मुझे पूछ के बता सकते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे अम्बानी साहब गोद ले लें? आपको आपके माता पिता ने तो कभी गोद लिया नहीं, ना ही वो डॉक्टर अपने सर पे लेता है कि उसने आपकी डिलीवरी कराई है। ये झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टर ने इल्जाम की बात झूठ बोल रहे हैं, उसने तो सुसाइड किया था। मिस यू डॉक्टर साहब। मैं बताऊं आयुष्मान साहब, मैं अभी सुगांडा में था। सुगांडा? या सुगांडा कहाँ है? सोमालिया और युगांडा के बीच में आता है सुगांडा। सुगांडा वहाँ सब सिर्फ मेरे ही फैन है, सब मेरे फैन है वहाँ, क्योंकि जंगल है ना। तो यही तो नहीं है कोई एक्टर जिसको चांटे मारे थे आपने? तो मुझे प्रोड्यूसर मिले, उन्होंने कहा कि मैं हम चाहते हैं एक फिल्म बनाएं, तो मैंने कुछ डायलॉग्स लिखे। मैंने कहा भाई आपको क्या क्या चाहिए? बोलते एक हीरो चाहिए, हीरोइन चाहिए, एक विलेन चाहिए। तो मेरे सामने आप तीनों हैं। साहब मैं कुछ डायलॉग्स आपको बता देता हूँ कि क्या हैं, एक बार आपको वो मेरे साथ करने हैं। प्लीज वन टेक करिएगा, मैं ऑडिशन एक ही बार लेता हूँ, प्लीज। ओके कोशिश करिए। तो सबसे पहले डायलॉग्स याद रखिएगा, हीरो आता है, हीरो आके हीरोइन को कहता है सामने से हीरोइन कहती है और तभी विलन आ जाता है जो गुस्से में है, वो आके कहता है क्या बात है उस्ताद जी, पर ये तो मिनट रुको यार, ये मूंछ का सैक्सोफोन यार, थूक लगी इसको। मूंछ का सैक्सोफोन? हाँ हाथ से नहीं। हाँ थैंक यू। पर ये जैसे आपने परफॉर्म किया, ये कहाँ कर पाएंगे? इसके लिए एक्टर का दिमाग भी खराब होना चाहिए ना। ये बात भी सही कह रहे हैं, वैसे ये मैं ही कर सकता हूँ अगर आप इजाजत दें। तो नोरा जी के साथ मैं एक फेस ऑफ करना चाहूंगा अभी इसी में। फेस ऑफ? या फेस ऑफ फॉर व्हाट? फेस वॉश करो आप, मतलब एक्टिंग का या डांस का? मैं नूरू जी बड़ा प्यारा एक बेली डांस आपको इधर देना, वो अब जब देना होता है बैठे हुए यूं करके। निकाला। आपके सामने है आयुष्मान, नोरा, जयदीप भाई, जो आपका कोई सवाल पूछना हो आप पूछ सकते हैं। जी भाई साहब। सत श्री अकाल पाजी। मेरा नाम जोरावर है जी, मैं चंडीगढ़ से आया। जोरावर जी आए हैं आप पाजी के शहर से? पाजी के शहर से। जैसे कि मैम ने बोला, नोरा मैम ने जब आए थे पहले कि यहाँ पे इनको क्या अच्छा लगता है, तो मैम ने कहा था कि म्यूजिक, डांस और कपिल जी आप। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक गजल गाएं और मैम परफॉर्म करें। नोरा गजल पे डांस किया कभी आपने? नहीं, मुझे ट्राई करें। ठीक है क्या करते हैं। और कोई महानुभाव अपने? जी हाय, मेरा नाम सबा है और मैं न्यूयॉर्क सिटी से आई हूँ। वेलकम सबा।
Kapil, I love your show. बहुत मजा आती है. Thank you, शुक्रिया. मेरा एक request है आयुष्मान से कि आप किशोर कुमार का गाना गा सकते हो. पाजी सुना दो कुछ. दोस्तों जैसे आप सब जानते हैं कि जो जयदीप साहब हैं वो आयुष्मान के सबसे बड़े दुश्मन हैं इस फिल्म में. ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें लगता है कि यार सुबह उठना ही नहीं जल्दी, मुझे अच्छा लगता, ये मेरा दुश्मन है. जो भी आपका आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हो. जी भाई साहब, उन्होंने तो समय भी नहीं लिया मेरा सवाल पूरा होने का. हेलो कपिल सर. हेलो जी. हेलो ऑडियंस. हेलो मैम. क्या नाम है ब्रदर आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है. विनोद जी कहाँ से हैं आप? मैदानपुर औरंगाबाद बिहार से. अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका विनोद जी. जी सर, मेरा इंग्लिश दुश्मन है. क्यों, क्या होता है? जब भी मैं किसी से बात करता हूँ इंग्लिश में, खास करके किसी लड़की से, तो इंग्लिश में बात करता हूँ तो दो चार वर्ड से कम चलाना पड़ता है. जैसे हाय, हेलो, हाउ आर यू, ये सब से कम चलाना पड़ता है. और कोई लड़की जैसे बात करती है तो मैं सिर्फ मुड़ी हिलाता हूँ. कम चलाना पड़ता है किसी. क्यों करते हैं आप? अपनी हिंदी इतनी अच्छी है भाषा, इसमें बात करिए आप. पंगे क्यों लेते हैं आप? कि फॉरेनर से बात करते हो, गोरियां जो आती हैं घूमने उनको किन से बात करते हो आप? इंग्लिश में क्यों करते हो फिर? आप हिंदी में बात करो. नोरा से कुछ बोलो इंग्लिश में अभी बात करके. गॉड, हाय मैम. हाय, हाउ आर यू. ये तो हो गए रटी रटाई. नोरा आप इनसे कुछ पूछो, आप कुछ इंग्लिश में पूछो इनसे. What's your favorite color? Green. एक और कुछ पूछो. What do you aspire to be when you grow up? Repeat, ma'am. वो भी एक बार बात करता. Green. Repeat. Monosyllables. What do you aspire to be when you grow up? है? I don't know. मैं बता रहा हूँ है क्या थे? है? Good answer. Line वही बोलता है जो उसके पास पड़ी हुई जेब में. I don't know. जैसे इसी कारण मेरा आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन पाया. अरे प्यार की कोई भाषा नहीं होती भाई. हाँ, actually. मुझे भी अंग्रेजी नहीं आती थी जब मैं अपनी वाइफ को मिला, उससे उन्होंने सिखाई मुझे. I think आपको एक फॉरेन गर्लफ्रेंड चाहिए क्या? नहीं मैं इंडियन को चाहिए. I don't think इंग्लिश की जरूरी है. अगर मतलब कोई लड़की यूपी से या बिहार से तो उनको हिंदी आती होगी ना. सब लड़कियां अंग्रेजी बोलती हैं. यस मैम. यस सर. तुम तो पुणे की स्त्रीलिंग भूल गए. इसकी अंग्रेजी नहीं, इसकी इसके जेंडर भी खराब है. लगे रहो विनोद, लगे रहो. थैंक्स. और कोई हमारे दोस्त भाई साहब? जी कपिल सर. हाँ जी. मेरा सबसे बड़ा दुश्मन हर एक वो डॉक्टर है जो मीठा खाने से मना करता है. क्योंकि मेरी मिठाई की दुकान है बॉम्बे में. मेरे दोस्त वो लोग हैं जो वड़ा पाव खाते हैं, जलेबी खाते हैं, मिठाई खाते हैं, वो सब मेरे दोस्त बन जाते हैं. और थोड़ी सी नाराजगी मुझे सेलेब से भी है. उनकी मूवीज तो हम लोग दौड़ दौड़ के जाते हैं थिएटर में देखने के लिए. हाँ जी. लेकिन वो बड़े डाइट फ्रीक होते हैं. मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, मीठा नहीं खाऊंगा. ये आयुष्मान सर के सिक्स पैक्स ऐसे ही नहीं बनते. नहीं नहीं, मैं सही बता रहा हूँ. ये गॉड गिफ्ट है. मैंने खाते देखा. मैं बहुत खाता हूँ और बहुत खाते देखा है. आप भी मिठाइयों में ऐसी चीज डाल दीजिए कि जो दूसरा मीठा होता है. जैसे मैंने अपनी मेरी रेसिपी मैंने बनाई एक गुड़ वाला नींबू पानी. वो पियो तो गन्ने के रस वाला फील आता है. हाँ. तो ऐसी आप भी मिठाइयां बना दीजिए. मेरी शॉप पे है शुगर फ्री मिठाई भी है, गुड़ वाली मिठाई भी है. और जब बात चली है. हाँ. तो मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ. मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर भी. क्या बात है, क्या बात. कैन आई कम एंड गिव यू? प्लीज प्लीज. थैंक यू. आई एम हैविंग. क्या है भाई साहब, घी वाली कौन सी है? गुड़ वाली कौन सी है? खूबसूरत इतनी लग रही है ना. But you should try, you will love it, I'm sure. This one? Yeah, it's awesome. Try क्या? हम सारे खाएंगे. Yeah, yeah, please try. ये pink वाला क्या है? ये sugar free वाला? That's rose peda. Oh. Yeah, but it's less pinker than you are. Kapil, अगर तुम लोगों ने खाए ये मिठाई और मुझे नहीं दी तो पेट में इतना दर्द होगा. अर्चना जी. थैंक यू सर जी, शुक्रिया. और कोई हमारे भाई बंधु अपने विचार प्रकट करना चाहते हो
जी मैडम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम साधना पांडे है, मैं लखनऊ से हूँ और बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है मेरी हाइट, जैसे कि जिस तरह से मेरी हाइट बढ़ती जा रही है उस पर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने थोड़े टाइम पहले शॉपिंग की थी, हो गया 1-1.5 साल, तो मैंने खूब सारे कपड़े ले लिए। अभी क्या हो रहा है, जितने भी बॉटम वेयर है सब मेरे ऐसे हो गए और मेरी मम्मी बोलती है कि आप शॉपिंग नहीं करने देगी, क्योंकि उस टाइम पे बोला था कि कम कपड़े खरीदना। तो ये यार इस पे तो बायोपिक बननी चाहिए। तो कितनी हाइट है अभी आपकी? अभी तो 5.7 है। अच्छा, तो अभी तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो गई तो आज के टाइम पे मतलब आयुष्मान सर जैसे हर लड़के थोड़ी होता है, तो फिर I'm not that tall यार। ज्यादा बढ़ जाएगी तो मम्मी को बोलना आपकी टांगे तोड़ दे। पांडे जी, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, ग्रहण करें इसको बस। But that's a very good height, yeah. 5'7" is a very good height. Enjoy. यही maximum है आपका। आदि, अगर 5'9" भी होते, 10 भी होते, क्या फर्क पड़ता है? Absolutely. क्या फर्क पड़ता है? Model. Then you can model. Model बन जाओगे। वहाँ पर 5'9" 10 की लड़कियाँ आराम से आपको मिलेंगी और लड़के 6'3" के मिलेंगे, so it doesn't matter seriously. शुक्रिया जी, पांडे जी धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.